दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराए तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लगातार आलोचना झेल रहे राहुल के बल्ले ने दिया सबको मुंहतोड़ जवाब। बल्ले से तूफान मचाते हुए कमाल लाजवाब राहुल ने की है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए उन्होंने टेस्ट को T20 बना डाला और गुस्से में केवल 32 गेंदों में ही शतक ठोक दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। तो आखिरकार राहुल ने अपनी कत्लेआम बल्लेबाजी में कितने छक्के ठोके? विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कैसा था उनके शतक पर रिएक्शन दिखाएंगे केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और शुभमन गिल में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पिछले कुछ समय से केएल राहुल ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। दोस्तों कोई खिलाड़ी तब ट्रेंड करता है जब उसने कुछ किया हो, लेकिन राहुल बिना कुछ किए ही ट्रेंड हो रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। पिछले काफी समय से केएल राहुल के फॉर्म नदारद है। उनके बल्ले से अब तक तो क्या एक अर्धशतक तक नहीं निकला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों ही टेस्ट मुकाबलों की 4 पारियों में उन्होंने 20 रन भी नहीं बनाए, बावजूद इसके उनको लगातार मौके मिलते रहे। यानी ट्विटर पर उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है, हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि भारतीय मैनेजमेंट ने भी उनको खिलाए जाने पर सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित से लेकर हेड कोच राहुल द्रविड़ और क्रिकेट के कुछ बड़े दिग्गज भी उन्हें बैक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिग्गज तो राहुल के खिलाए जाने पर एकदम भड़क गए, जिसमें वेंकटेश प्रसाद का नाम सबसे पहले आता है, जिनका आकाश चोपड़ा से लड़ाई भी हो गई। इन सबके बीच अब राहुल ने हर एक बातों पर विराम लगा दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। सबका यही सवाल था कि आखिरकार राहुल फॉर्म में कब आएंगे, और राहुल न सिर्फ फॉर्म में आए बल्कि उन्होंने विरोधी गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा कर रख दिए। उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की है जिसे कप्तान रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और हेड कोच राहुल द्रविड़ भी देखते रह गए। राहुल का बल्लेबाजी में उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जिस तरीके से वह गेंद को मैदान के बाहर मार रहे थे, उसे देखकर हर एक इंसान तालियां बजा रहा था। दोस्तों आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक प्रैक्टिस मुकाबला खेला गया। तीसरे मैच से पहले दोनों ही टीमों ने तैयारियों को देखते हुए एक प्रैक्टिस मैच खेला, जिसमें किसी और बल्लेबाज का नहीं बल्कि सबको केएल राहुल का तूफान देखने को मिला। बता दें जब राहुल बल्लेबाजी करने आए तब मिचेल स्टॉक ने पहली गेंद पर उन्हें बाउंसर डाली। यह गेंद राहुल के कान के पास से सीटी बजाते हुए निकल गई। मिचेल स्टॉक ने राहुल को घूर कर देखा, ऐसा लग रहा था कि मानो वह राहुल को चढ़ा रहे हों। लेकिन उसके बाद राहुल ने गहरी सांस ली और शुरू कर दी कत्लेआम बल्लेबाजी। दोस्तों मिचेल स्टॉक की वह बाउंसर राहुल की खोई हुई फॉर्म को ले आई, क्योंकि मिचेल स्टॉक के घूर कर देखने से राहुल बेहद गुस्से में आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने जो किया वह मिचेल स्टॉक से लेकर बाकी सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। दोस्तों आपको बता दें, राहुल ने न सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बल्कि एक एक कर हर एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को उन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचाना भी शुरू कर दिया। एक छक्का तो उनका सीधे स्टेडियम के बाहर गया हुआ था, जो दोबारा मिल भी नहीं पाया। और देखते ही देखते राहुल ने ऐसा कारनामा कर दिया जैसा क्रिकेट में कभी देखने को ही नहीं मिलता। यहां आपको बता दें, केवल 32 गेंदों में ही कमाल लाजवाब राहुल ने शतक ठोक दिया। वह अजूबा करने वाले राहुल ने जब बल्ला उठाया तब वहां खड़े भारतीय कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी दंग रह गए। सबने राहुल के लिए तालियां बजाई और शाबाशी भी दी। इधर राहुल ने छक्कों की झड़ी लगा दी। बता दें कि उन्होंने अपनी शतकीय पारी में एक दो नहीं बल्कि कुल 12 छक्के ठोके थे। दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि केएल राहुल आलोचना झेलने के बाद कितने गुस्से में थे, जिसका खामियाजा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भुगता। बता दें कि राहुल ने अपनी शतकीय पारी में कुल 40 गेंद खेली और 138 रन ठोक डाले। दोस्तों आपको क्या लगता है, तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी राहुल को मौका मिलना चाहिए या फिर शुभमन गिल को? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।